नमस्कार सभी किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्टाको के बारे में, जो सिजेंटा कंपनी का आता है। वर्टाको को पत्ता लपेट और स्टीम बोरर के लिए धान में रिकमेंड किया जाता है। ये एक प्रकार का कीटनाशक है जिसे आप सभी धान, मक्का और गन्ने की फसल में इसे आप DAP यूरिया के साथ में मिला के प्रयोग कर सकते हो। इसमें ड्यूल मोड ऑफ एक्शन है, इस कारण ये दो तरीके से अलग अलग तरीके से काम करता है और लंबे समय तक आपके खेत में प्रभावी नियंत्रण रखता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कीटों पे इसका बहुत ही लंबा नियंत्रण रहता है। इस वजह से आपके धान में अधिक कीटों का आक्रमण नहीं होगा, जैसे कि पत्ता लपेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, तने के नीचे मच्छर आपको नहीं मिलेंगे, पौधे की बढ़वार अच्छी रहेगी, पोषक तत्व तो उसको भरपूर मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो इस चित्र में एक स्टीम बोरर का हमने वो चित्र दिया है। इसकी समस्या खेत में बहुत ज़्यादा आती है, कम से कम ये 10-20% नुकसान आपका खेत में करता है। इसलिए हम सिर्फ इसी चीज़ पे आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आपके खेत में वर्टाको के साथ में कॉन्टेक्ट में मिलाए, जिससे आपका पौधा अगर ग्रोथ कम कर रहा है तो वो भी अच्छा ग्रोथ करेगा। DAP यूरिया आप मिलाते हो साथ में, उसके साथ में आप वर्टाको को आसानी से मिला सकते हो। इसमें आप जिंक भी ऐड कर सकते हो 2.5 से 3 किलो का प्रति बीघा के हिसाब से, और जो वर्टाको की डोज रखती हैं वो आपकी डोज रहेगी 1 किलो प्रति बीघा। इसको आप अच्छे से मिलाएं और इनका एक मिश्रण बना के आप आपके खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जो इसका परिणाम मिलने वाला है आपको, ये तकरीबन आपको 10 से 15 दिन तक ये अच्छा कंट्रोल देता है। उसके बाद में स्टीम बोरर और पत्ता लपेट की समस्या आपके खेत में दिखाई नहीं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।